रामायण में केवट के रोल का ऑडिशन देने पहुंचे थे अरविंद त्रिवेदी। 300 लोगों को मात देकर बन गए थे रावण। लंकाधिपति रावण यानी कि लंकेश, यह पात्र आज भी हमारी आंखों के सामने आ जाता है। रामानंद सागर की सीरियल रामायण में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का जो किरदार प्ले किया था वो आज भी हम लोगों के जहन में है। दूरदर्शन पर 1986 में शुरू हुए इस सीरियल में रावण की भूमिका में अरविंद त्रिवेदी को देश और दुनिया भर के टीवी दर्शकों का चहेता बना दिया। एक ओर जहां इस सीरियल से एक्टर अरुण गोविल को राम के रूप में ख्याति मिली, तो वहीं एक्टर अरविंद त्रिवेदी को भी रावण के रूप में पॉपुलैरिटी मिली। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के बारे में तो अक्सर यहाँ वहाँ खबरें मिल ही जाती हैं, लेकिन रावण के किरदार में नज़र आए अरविंद त्रिवेदी के बारे में लोग कम ही जानते हैं। वैसे टीवी के रावण यानी कि अरविंद त्रिवेदी गुजरात के सावरकांठा से सांसद भी रह चुके हैं। उड़ी मौत की अफवाह, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ हैं अरविंद त्रिवेदी। 82 साल के अरविंद त्रिवेदी की हाल ही में मौत की अफवाह उड़ी, जिसे उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने खारिज किया और बता दिया कि अरविंद त्रिवेदी बिल्कुल स्वस्थ हैं और मौत की खबरें फेक है। इससे पहले पिछले साल भी उनकी मौत की अफवाह को भी कौस्तुभ ने ही खारिज किया था। मध्य प्रदेश में हुआ लंकेश का जन्म। जी हाँ, अरविंद त्रिवेदी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ, लेकिन उनका करियर गुजराती रंगमंच से शुरू हुआ। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती सिनेमा के चर्चित नाम हैं और गुजराती फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लंकेश यानी कि अरविंद त्रिवेदी ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया है। गुजराती भाषा की धार्मिक और सामाजिक फिल्मों से उन्हें गुजराती दर्शकों में अच्छी खासी पहचान मिली। 300 लोगों ने दिया था रावण के किरदार के लिए ऑडिशन और उसमें से लकी हुए अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी ने खुलासा किया था कि उन्होंने रामायण में केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। यह ऑडिशन रामानंद सागर ने लिया था, जिन्हें ऑडिशन लेते वक्त ये एहसास हो गया कि अरविंद रावण के किरदार के लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे। दरअसल अरविंद की बॉडी लैंग्वेज से रामानंद सागर बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने रावण के रोल के लिए उनको चुन लिया। उनसे पहले रामानंद सागर 300 लोगों का ऑडिशन रावण के किरदार के लिए ले चुके थे। फाइनली अरविंद त्रिवेदी जी ही सेलेक्ट हुए उस रोल के लिए और रामानंद जी ने बोला, आप ही मेरे सीरियल में रावण का रोल प्ले करोगे।